पाकिस्तान के साथ मैच है, पूरा वर्ल्ड कप है और सबकी उम्मीद है कि लॉर्ड्स में फिर से एक बार टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने। आई थिंक जीतेगी, अभी तो देख के तो यही लग रहा है जिस तरीके से खेल रहे हैं। मुझे मतलब कंपटीशन बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है नहीं इनके लिए अभी, बट आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज़ गुड। मैं तो बहुत ही होपलेस काइंड ऑफ चीयर लीडर हूँ अपनी कंट्री के लिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ भाई हम ही जीत रहे हैं, बाकी देखते हैं कैसा। नहीं तो आप चीयर करने जाएंगे लॉर्ड्स में जब वहाँ? नहीं, मैं अपने टीवी के आगे चीयर करूँगी, वहाँ से अच्छा व्यू दिखता है मुझे, वहाँ से एकदम क्लोजअप व्यू दिखता है अपने टीवी से, मुझे वहाँ पर इतनी दूर बैठ के नहीं देखना। मुझे याद है कि पटियाला हाउस आपने मूवी की थी 2011 में और शायद उसके कुछ दिनों बाद ही भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बना था, वर्ल्ड चैंपियन बना था 28 साल बाद। तो इस बार उम्मीदें क्या हैं आपको इंडियन टीम से? उम्मीदें बढ़िया हैं, बस थोड़ा सा वो हो गया कि हमारे शिखर धवन साहब को अंगूठे पे फ्रैक्चर हो गया। ही वाज वन ऑफ द, मतलब आज जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले मैच में उन्होंने 117 बनाए थे एंड आई एम श्योर अभी जो भी आएगा शायद पंत साहब आएंगे खेलने के लिए एंड इट विल बी ग्रेट बूस्ट एंड जस्ट होप दैट शिखर धवन गेट्स वेल सून एंड मुझे लगता है 3 हफ्ते तो जाएंगे बिकॉज एक फ्रैक्चर को ठीक होने में 3 हफ्ते तो मिनिमम है। तो शिखर धवन इंग्लैंड में टीम के साथ रहेंगे और एज सून एज पॉसिबल जैसे ही वो ठीक होंगे उनकी रिकवरी पर टीम मैनेजमेंट बड़ी बारीकी से नज़र रखे हुए है, तो शिखर धवन ही टीम के साथ रहेंगे फाइनली। बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है, बस आई जस्ट होप कि जल्दी से ठीक हो जाए, हल्दी का दूध बहुत सारा पिए बस। चलिए अगर टीम फाइनल में पहुंचती है जैसा कि सब उम्मीद कर रहे हैं तो आप जाएंगे फाइनल देखने लॉर्ड्स में? मैं उस वक्त लंदन में ही हूँ, मैं छुट्टियों के दौरान उस वक्त लंदन में ही हूँ। तो आप टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए हमें स्टेडियम में दिखेंगे? हो सर, ज़्यादा करके तो उधर ही नज़र आऊँगा।